ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज स्विच ऑन देयर कैमरास प्लीज. थैंक यू. वेरी कूल. गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल टू द टुडेज उत्थान वेलनेस सेशन. द स्पीकर फॉर टुडेज सेशन इज सिस्टर संगीता. दीदी, वेलकम बैक. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक ओवर द सेशन इन द ऑनगोइंग सीरीज एक्टिवेटिंग थॉट पार अ रेजोल्यूशन फॉर 2023. ओम शांति, ओम हैप्पी न्यू शांति. ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टू सी यू इन दिस न्यू ईयर। सो हमने स्पेशली ये इसलिए रखा कि थॉट पावर को एक्टिवेट करना है न्यू ईयर की। न्यू ईयर है या ओल्ड ओल्ड सिस्टम ही चल रहा है, ओल्ड थॉट्स ही चलते हैं, ओल्ड इम्प्रेशंस, ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड बिलीफ सिस्टम। तो इसका मतलब न्यू ईयर था, तो हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर्स, यही होता है ना। हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू आईज, हैप्पी न्यू टंग, हैप्पी न्यू आइडियाज, ये सब है तब तो हैप्पी न्यू ईयर है ना, नहीं तो फिर हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। तो क्या क्या न्यूनेस चाहिए फिर हमको? ये हर चीज में न्यूनेस चाहिए, और हर चीज में न्यूनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? थॉट पावर को न्यू करना है। तो अब ये थॉट पावर के ऊपर हम एक आज समझेंगे व्हाट एक्चुअली हैज टू बी न्यू। सॉरी, गिव वन सेक। सो रिसर्च, सम विल जस्ट थिंक अबाउट सम रिसर्च स्टडीज, विल लिसन अबाउट सम रिसर्च स्टडीज, कि रिसर्च भी, फर्स्ट रिसर्च स्टडीज है डॉक्टर ब्रूस मॉसले, जो इस वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेड ऑर्थो पेडिटिशियन मतलब एंड तो वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिक नी ट्रांसप्लांट सर्जन थे। स्पेशलिटी नी ट्रांसप्लांट था। तो जब वो उन्होंने टू ग्रुप्स बनाए थे इसके लिए, नी ट्रांसप्लांट, दोज हु आर वेरी मच डेस्परेट इन डूइंग दैट ट्रांसप्लांट, और उसमें उन्होंने एक एक ग्रुप बनाया, टू ग्रुप में से वन ग्रुप जिनको ट्रांसप्लांट दी गई थी, और एक ग्रुप जिस वो दो वेरी मच दे नीडेड, और एक ग्रुप जिसको फॉल्स सर्जरी, इंसिजन दिया गया, एनेस्थेसिया दिया गया, लेकिन फॉल्स सर्जरी, प्री रिकॉर्डेड सर्जरी बताई गई उनको। और फिर जब वो उसके बाद पूरी सर्जरी हुई और बाद में रिजल्ट्स देखा गया, फ्राइडे को एडमिट किया, मंडे को सर्जरी हुई, एंड 2 दिन के बाद रिजल्ट देखा गया। 1/3 ऑफ द पेशेंट्स ऑफ द ग्रुप विच जिनके सर्जरी हुई थी, उनके मिराक्युलस रिजल्ट्स थे, एंड उनका पूरी दर्द नी का खत्म हो गया था। और मोर शॉकिंग और मोर अमेजिंग वॉज द अदर ग्रुप, जिसमें भी 1/3 ऑफ द पेशेंट्स का पूरा नी का सर्जरी पेन चला गया। नो सर्जरी, सिर्फ शैम सर्जरी, फॉल्स सर्जरी। सेकेंड,
कीमोथेरेपी के कई सारे एग्जाम्पल्स रिसर्च स्टडीज यूरोप में किए गए। तो उसमें दो ग्रुप, एक ग्रुप को नॉर्मल सेलाइन दिया गया और एक ग्रुप को वो कीमोथेरेपी की मेडिसिन दी गई थी, और उनको कहा गया, तो जिस ग्रुप को कीमोथेरेपी के पूरे रिजल्ट्स तो सबको पता ही होता है, कीमोथेरेपी मतलब क्या होगा, ये नौशिया, वॉमिटिंग, बाल झड़ना, और जब उनको वो मेडिसिन दी तो इनके कीमोथेरेपी जिनको दी गई उनके तो वो सिम्टम्स आए सारे, बाल झड़ गए, और जिनको नॉर्मल सलाइन दिया गया उनके भी वही रिजल्ट्स आए जिनको जो कीमोथेरेपी के हैं, बाल भी झड़ गए, नौशिया, वॉमिटिंग भी बहुत हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा रोजन ट्रायल्स, बहुत फेमस ये ट्रायल्स है, स्पेशली बाल्ड हेयर, गंजे बालों के लिए। उसमें मिंटॉप लोशन दिया गया, तो ये मिंटॉप लोशन ये वर्ल्ड फेमस ट्रायल है कि जो ये डालता है तो उनके जो ये रोजन ट्रायल मिंटॉप लोशन दिया गया एंड दैट्स द वर्ल्ड फेमस ट्रायल, और उसमें वन ग्रुप को मिंटॉप लोशन बाल आ गए और सेकेंड ग्रुप को नॉर्मल तेल दिया मिंटॉप लोशन के नाम से, उनके भी बाल उग गए। नाउ व्हाट दिस ऑल स्टडीज इंडिकेट, क्या कहते हैं, शेक्सपियर ने देर इज समथिंग बियॉन्ड वॉट वी सी, देर इज समथिंग बियॉन्ड वॉट वी लिसन। जो अभी तक उसकी देर आर वर्ल्ड ऑपरेटेड अननोन फोर्सेस विच वी डू नॉट नो। शेक्सपियर ने अपने फेमस हेमलेट में ये बताया था कि there are more things in the heaven hell than that are dreamt of, मतलब जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा forces इस दुनिया में काम करते हैं। तो एक तरफ है science और एक तरफ है mind, so कितने सारे कार्य हम मन की शक्ति से करते हैं, and what is this mind power। डॉक्टर बीजन आपने सुना होगा, लव मेडिसिन मिराकल उनकी फेमस बुक है। अगेन वो कीमोथेरेपी दिया था और उस समय इपोक नाम का मेडिसिन आया था, तो वो मेडिसिन बहुत पावरफुल था, तो उसको इंजेक्ट किया था जो ऐसा कीमोथेरेपी ड्रग। तो जहां वो ड्रग दो ग्रुप्स थे, दो हॉस्पिटल्स में किया गया, एक हॉस्पिटल उसके रिजल्ट बहुत पावरफुल दिखाई पता चला कि वो उसमें बहुत ही पावरफुल रिजल्ट्स है, और फिर जब पता चला कि वो इपोक EPOCH इस नाम से था ड्रग, उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको HOPE होपोक ऐसे करके वो मेडिसिन दी थी, और डॉक्टर पेशेंट्स को कहा गया इट्स कंप्लीटली होप बेस्ड, ये 100% ठीक होने वाला है, और वहां के रिजल्ट्स 50% ज्यादा थे नॉर्मल रिजल्ट से। सो ऑल दिस स्टडीज क्या प्रूव करता है, देर इज समथिंग मोर देन वी नो विच इज इन ऑपरेशन इन द यूनिवर्स, और वो क्या है, उसके पावर्स हम
हमारे जो सोचने की शक्ति है उससे ज्यादा है, तो वो पावर्स कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखा जाए तो इंफॉर्मेशन, जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है उससे क्या होता है, थॉट्स क्रिएट होते हैं। एंड तो थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो फीलिंग्स लेवल पर जाता है और फिर वही फीलिंग्स सब रिकॉर्डिंग्स बनती है हमारी। सो थॉट्स, कॉन्शियस माइंड हमको पता है, और फीलिंग्स सब कॉन्शियस माइंड, और अंदर एक बिलीफ बन जाता है, संस्कार जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। नाउ जो भी जितने भी हमारे थॉट्स है, इंफॉर्मेशन थॉट्स क्रिएट होती रहती है, अब कॉन्शियस माइंड हमको पता चल रहा है अभी, नो वी आर थिंकिंग दिस, आई वाज थिंकिंग दिस, ये पता चल रहा है। और फीलिंग्स, अब देखा जाए थॉट और फीलिंग्स, भावनाएं अदरवाइज भी कौन सी पावरफुल है, एक है थॉट है और एक है भावना है, फीलिंग्स, दर्द है, ट्रस्ट है, एवरीथिंग दिस आर बेस्ड ऑन फीलिंग्स, दे आर मोर पावरफुल। तो इन सिंपल वर्ड्स, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ गार्डन, गार्डनर, और सबकॉन्शियस माइंड इज अ गार्डन। जैसे गार्डन में हम प्लांट करते हैं, तो एक बार जो प्लांट हो गया वो उगने वाला ही है, तो सबकॉन्शियस माइंड इज द गार्डन। जो जो आप फीलिंग्स इज नथिंग बट आप जो फील कर रहे हो, विच इज द रियलिटी। अब सबकॉन्शियस माइंड इज नथिंग बट परसिस्टेंट, ना उसका रूल क्या है, अगर आप कंटिन्यूसली सोचो विथ द बिलीफ, वो आपकी भावना बन जाती है, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। एक लेडी थी, उसने पर्स देख लिया, बहुत अच्छा पर्स है, अभी पैसे नहीं है, नहीं ले पाई, कंटिन्यूसली थॉट क्रिएट किया कि मुझे वो पर्स चाहिए, मुझे वो पर्स चाहिए, मुझे वो पर्स मिलेगा, कंटिन्यूसली ये थॉट क्रिएट किया। शाम को भाई विदेश से आया, सेम पर्स लेकर आया। जॉर्ज वॉशिंगटन, ही वॉज अ प्यून, उनका काम था, बहुत परिस्थिति सिंपल थी, वेरी पुअर कंडीशन। उनका काम था कि जब वो स्कूल में प्यून के जॉब था, दो पीरियड्स के बीच में जो घंटी बजनी होती ना, ही यूज टू ड्रिंक दैट बेल, वो बेल रिंग करते थे, और उन्होंने वो जब भी बेल रिंग करते थे, टना टन टना टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ऑलवेज जब भी बेल रिंग करते थे, ही वुड जस्ट थिंक द सेम लाइन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड वी ऑल नो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सिंपल प्यून थे वो। एक मेडिकल कॉलेज अमरावती के बीच, आई नो हमारे ब्रदर थे, उन्होंने स्पिरिचुअल ब्रदर, तो ही इट वॉज हिज फर्स्ट डे इन द कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ही इज अ डॉक्टर नाउ, एंड वो दीन दैट ऑफ द कॉलेज, उसका फेयरवेल पार्टी था, उसने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब वो फर्स्ट डे कॉलेज में आए थे, बहुत रैगिंग थी, उन्होंने थॉट कर लिया था, ही व्हेन ही एंटर्ड द कॉलेज, इट वाज अ सिंपल लाइक जॉब करने वाले, आई विल बिकम द डीन ऑफ दिस कॉलेज, सिर्फ एक थॉट क्रिएट किया और प्लांट कर दिया उसको
सबकॉन्शियस माइंड के गार्डन में एंड इन 10 years ही बिकेम द डीन ऑफ द कॉलेज. जो थॉट्स मैं परसिस्टेंटली करती रहूंगी वो थॉट्स मेरी रियलिटी बनती जाएगी, क्योंकि थॉट्स इज मोर पावर संकल्प शक्ति. हमने कितनी बार ऐसे सुना है, देखा है कि जैसे ही पता चला कितनी सारी बीमारियों का कि मुझे कैंसर बहुत आगे बढ़ गया, फेफड़ों में लंग्स में बीमारी थी और एक ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय लंदन में और कहा कि ये ड्रग बहुत अच्छा है, उससे बहुत जल्दी बीमारी ठीक होती है. एक पेशेंट ने सुना, उसने इंसिस्ट किया मुझे करना है एंड ही वॉज गिवन द ड्रग. जैसे ही यूज किया कंप्लीटली विद इन 10 days, फ्राइडे को एडमिट हुआ, मंडे को ऑपरेशन हुआ, ट्यूजडे को लिम्फोकार्सिनोमा पूरा चला गया. नो विद इन 10 days रिकवरी हुई. 1 month के बाद जब रिपोर्ट लिया गया, नो कैंसर. वेरी हैप्पी. 2 months के बाद नॉर्मल हो गया. 2 months के बाद फिर एक रिपोर्ट आई कि ये जो ड्रग है वो ड्रग का कुछ ऐसे ही कुछ नाम था कि इसके रिजल्ट्स बहुत खराब है और प्लीज कोई भी ना ले. पेशेंट ने न्यूज पढ़ा, उसको वॉमिटिंग कुछ होने लगी, एडमिट किया गया, रिपोर्ट देखा, कैंसर हुआ और वो कैंसर बहुत आगे बढ़ गया. डॉक्टर उसको बहुत होप दे रहे हैं कि तुम बिल्कुल नहीं सोचो. बोला नहीं नहीं ये ड्रग बहुत खराब है, मैंने ले लिया अब नहीं होगा. तो कहने का भाव, उसके बाद फिर एक और बार अमेरिकन के जर्नल में आया कि दिस ड्रग इज मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया था. तो 1 month एडमिट रहा, फिर अमेरिकन जर्नल में आया कि ये ड्रग बहुत अच्छा है एंड सो मेनी रिजल्ट्स उसके हैं एंड इट इज हार्मलेस, वन शुड यूज इट. पेशेंट ने पढ़ा और फिर उसके ट्रीटमेंट चल रही थी, विद इन 10 days उसकी वापस रिकवरी हुई. व्हाट इज दिस? अब ये सब क्या है? समथिंग बियॉन्ड साइंस, द पावर ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्या है? इट्स द इन बैंक, मेमोरी एंड पावर बैंक ऑफ द सोल. जो आप सोचते हो और कंटिन्यू सोच के उसको एक बिलीफ बना दो, मेरे साथ बहुत अच्छा होना है, एक बिलीफ बना दो. आप कंटिन्यूसली सोचो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, विच एवर यू बिलीव, और आफ्टर सम टाइम विल सी द रियलिटी. एक पेशेंट, एक सिस्टर आई थी हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में हमारी, वो उसके नीज बिल्कुल आर्थराइटिस थी, यंग टीनेज 20 year old, चल नहीं पा रही थी. मैग्नेटोथेरेपी, बाकी सब थेरेपीज कर लिया, नथिंग वर्क्ड. तो फाइनली ग्लोबल हॉस्पिटल में किसी ने रिकमेंड किया और उसको मैग्नेटोथेरेपी कर रही थी. फिर उसने हमारे सीनियर ब्रदर को बोला कि प्लीज आप कुछ मुझे बताओ कि कैसे मैं इसको करूं. तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक सोचो, 3 months के बाद मैं दिल्ली की सिस्टर, मैं दिल्ली के सड़कों पर भाग रही, एक विजन क्रिएट करो. उसने वो ट्रीटमेंट लेती गई और एक ही विजन क्रिएट किया कंटिन्यूस,
आई एम रनिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और 10-15 डेज की थेरेपी लिया और एग्जैक्टली इन 3 मंथ्स ऐसी फास्ट रिकवरी हुई, वो रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया उसने. सो दिस हिडन पार जो साइंस भी जिसके जिसको कुछ नहीं कर सकी, एंड नाउ साइंस तो अब तो प्रूव कर लिया 90% ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक. कि अगर मैं सोचती हूं तो डिजीज है, एंड अगर मैं कंटिन्यू सोचती हूं तो वो बढ़ेगा, या प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं. तो दिस पार ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इफ देयरफॉर इट इज सेड कि अल्केमिस्ट फेमस जो बुक में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि इफ यू डिजायर फर्मली डिजायर वेरी फर्मली इन योर हार्ट एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट ट्रू टू मेक इट कम ट्रू. दिस इज द लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ फेथ. सो ये रियलिटी हम सभी ऑपरेट करते हैं. कितनी बार मैंने सोचा था ना, देखो हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि आपने सोचा ही वैसा था. अगर आप वैसे नहीं सोचते तो इसलिए जो जो हो रहा है उसका रीजन, therefore आई एम द रीजन, आई एम द मास्टर, आई एम द रीजन, आई एम द रीजन ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग टू मी, आई एम द मास्टर ऑफ माई फॉर्च्यून, आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप. मैं सोच रही हूं तो इसलिए इसका सिंपल रूल्स है. अब हाउ टू एक्टिवेट इट, 4-5 रूल्स है इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ जैसे फर्स्ट रूल, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन ये अभी सोया है. अभी हमारा, अभी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, कॉन्शियस माइंड है. इफ आई डोंट बिलीव इट, इट इज जस्ट अ थॉट, इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. आप ऑफिस में जाएंगे, काम करते जाएंगे, और फिर बाद में रात को पूछेंगे, थोड़ा कुछ याद है, एक हफ्ते के बाद पूछो, कुछ भी याद नहीं. बहुत अच्छी बातें थी लेकिन मेरे लाइफ में नहीं आया, मुझे कुछ भी याद नहीं. तो दैट वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. एंड नाउ मेनी ऑफ अस, आई एम श्योर, या सम ऑफ अस विल जस्ट टेक इट सीरियसली कि आज मुझे एक्सपेरिमेंट करना ही है. कंटिन्यूसली सोचते जाओ, हम सोचते हैं पता नहीं ये होगा नहीं होगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कैसे होगा. एक थॉट क्रिएट करो, ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स लेके आने वाला है, और इसके इतने मार्क्स से नंबर्स भी नोट कर लो. जस्ट एक विजन बनो एंड मेक इट अ लॉ, अ बिलीफ. कुछ भी हो जाए, मुझे केवल एक ही थॉट क्रिएट करना है कि बच्चा मेरिट इसमें आने वाला है. आई जस्ट गो ऑन क्रिएट, नो डाउट, नथिंग. वन थ्रू आउट द डे आई विल बी क्रिएटिंग दैट पावरफुल थॉट्स. अब उसमें दिख रहा है कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन आई विल जस्ट गो ऑन क्रिएटिंग पावरफुल थॉट्स. उसके लिए कुछ रूल्स है. सबसे पहले, दिस सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव इमीजिएटली बिफोर स्लीपिंग. जब नींद आ रही हो, आप लेट जाओ बेड पे, आप बार बार वही सोचो. अब सपोज पूरे दिन में कुछ ऑफिस में अच्छा नहीं हुआ, हम सोचे कि बहुत कल का दिन बहुत अच्छा है,
उसने वो मेरे लिए कल बहुत अच्छा रहेगा, मेरा कलीग मुझे आज ऐसे बोला, कल वो बहुत, सो आई जस्ट बिफोर स्लीपिंग मैं केवल पॉजिटिव एक थॉट देती हूँ एंड अब नींद आ गई, जैसे ही उठो वो थॉट क्रिएट करो जो आपको आज के दिन रियलिटी क्रिएट करनी है। और दूसरा, व्हाट बिलीव्स कम्स ट्रू, आप जो बिलीव करेंगे, अब आप थॉट क्रिएट करते जाएंगे, कहेंगे पता नहीं इन लोग कहते हैं कहां तक राइट है, फिनिश, व्हाट बिलीव्स कम्स ट्रू और अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ विजन, उसको विजन बनाओ। कल आप ऑफिस में जाएंगे, वहां आपको ये मिलेंगे और वो आपको बहुत अच्छे से बात करेंगे। सपोज उसके साथ आपका कुछ आज हो गया, क्रिएट द विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट। और फोर्थ है, नो वर्ड नेवर टू बी यूज्ड, बिकॉज ये हां की लैंग्वेज समझता है, नो की लैंग्वेज नहीं समझता है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हाई नहीं होगा ये नहीं बोलना है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हाई नहीं होगा ये नहीं। तो नो का वो ही दिस सबकॉन्शियस माइंड विल टेक इट, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, हाई नहीं है नहीं लेगा वो, इट जस्ट अंडरस्टैंड्स द वर्ड्स एस यू से। और ये जब कॉन्शियस माइंड काम होगा, होता है, एंड इट कुड बी इवन थ्रू आउट द डे, तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। और जनरली होता क्या है, हम जब एक्टिव मतलब स्टेज में होते हैं, पूरे दिन जागृत अवस्था में, हमारा कॉन्शियस माइंड ऑलवेज एक्टिव होता है, एंड देयरफॉर सबकॉन्शियस माइंड की थॉट्स इतनी प्रैक्टिकल में होती दिखाई नहीं देती। If I can calm the conscious mind, which meditation does, तब मेरे subconscious mind active हो जाता है। And therefore ये वाला जो time है, सुबह उठते ही the best thought इसलिए will be very powerful positive thoughts। मैं सफलता मूर्त हूँ, I am a successful person। तो इसलिए अगर हम बार बार अपने प्रति ब्लेसिंग्स क्रिएट करें, तो इसका दो मेथड है, ऑटो सजेशन जैसे बताया, और परसिस्टेंट थॉट, एनी परसिस्टेंट थॉट विल बिकम अ रियलिटी। जैसे आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन सकता है परसिस्टेंट थॉट, तो कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए इसका दिस इज द पार। तो इसलिए नाउ व्हाट थॉट्स शुड आई क्रिएट, सबसे पहले कुछ भी हुआ मेरी भावनाओं में, इफ यू डोंट वांट टू पुट मच एफर्ट ऑन योरसेल्फ, भावनाओं में वो बात, उसने मुझे रॉन्ग कहा, इंसल्ट किया, डोंट लेट इट ट्रेवल इन योर फीलिंग्स, लेट इट बी टू योर इंफॉर्मेशन। क्या होता है कभी कभी ये वाली बातें हम अपनी इंफॉर्मेशन में ले लेते हैं, स्पिरिचुअल बातें, और हर्ट की बातें कहाँ लेते हैं, फीलिंग्स में ले लेते हैं, आज इंटरचेंज करते हैं, जो आज हम सुन रहे हैं उसको हम फीलिंग्स में लेंगे। तो इसलिए एक तो ऑलवेज हैविंग दैट फर्म बिलीफ, और इसके लिए चार स्टेट, चार पांच अच्छे सारे अच्छे स्टेटमेंट्स है, इफ यू कैन क्रिएट फॉर योर ब्लेसिंग्स फॉर योर सेल्फ, विच विल क्रिएट, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम वेरी लविंग सोल, आई एम अ सक्सेसफुल सोल, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे मैंने आपको बताया कई स्टोरीज है, एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू पे जा रहा था, तो उसको कहाँ गया, अब वो बहुत डर भी रहा था कि एमडी का इंटरव्यू है, होगा नहीं होगा क्या होगा, और जैसे होता ही है ना डर। तो उसको फोन किया
तो उसको हमारे सीनियर ब्रदर ने कहा कि आप केवल एक सोचो कि मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑल पावरफुल हूं और मैं वही क्वेश्चंस वो पूछेंगे जो मैं जवाब दे सकता. जस्ट वन थॉट एंड पर्टिकुलरली बिफोर स्लीपिंग बिफोर गोइंग टू फॉर बेड एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग एक ही थॉट क्रिएट करना है. 5 मिनट तक वो एक्टिव होता है, उसका टाइमिंग है, उसके बाद इतना एक्टिव नहीं होता है वो, बिकॉज हमारे थॉट्स बहुत चलते हैं तब वो नहीं होता है. तो उसने क्रिएट किया रात को सोते सोते केवल वो थॉट, और फिर सुबह उठते ही बस आई एम अ वेरी पावरफुल सोल, आई एम द सन ऑफ द सुप्रीम. और 3 MBA के इंटरव्यूअर्स थे, 3 बड़े बड़े मास्टर IIM कैलकटा, और वो था वाइट ड्रेस पहना था, बैच लगाया था, पहुंचा वो केवल एक थॉट कि आई विल बी सक्सेसफुल, और एक ही थॉट 3 घंटे तक वही किया. और फिर बाद में जब फाइनल बैठे थे तो उन्होंने पूछा, वाइट ड्रेस देखा, बोला अच्छा ये क्या है, फिर उसने बताया मैं ब्रह्मा कुमारीज में हूँ, फिर बैच देखा, अच्छा क्या है वहां ये, व्हाट इज देयर, क्या सिग्निफिकेंस है, तो एवरीथिंग फिर बताया उसने. अच्छा फिर आप क्या करते हो, मैं मेडिटेशन करता हूँ, विच मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन, व्हाट इज राजयोगा मेडिटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 15 मिनट खत्म हो गया, 5 मिनट बचा था, 20 मिनट्स का इंटरव्यू था. लास्ट 5 मिनट्स में एक एक क्वेश्चन और बोला ओके गो. अगले दिन लेटर आ गया, यू आर सिलेक्टेड. सो दिस इज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. सो देयरफॉर दिट्स अ वेरी पावरफुल, और द ओनली मेथड इफ आई रियली वॉन्ट टू बी पॉजिटिव एंड यूज दैट पॉजिटिविटी इन माई लाइफ. तो ये अभी ये पूरे महीने हम इसके ऊपर पूरा रिसर्च एक्सरे करेंगे, हाउ टू एक्टिवेट इट एंड व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस माइंड. सो इन दिस 2023 आई एम श्योर आप सभी भी ये थॉट क्रिएट करेंगे मेरे साथ कि हम भी इसको एक्टिवेट करके ही छोड़ेंगे. एंड ट्राई फॉर एवरी लिटिल थिंग, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, फॉर्मूला रूल्स एक ही रहेगा जो हमने देखा, बस वो रूल्स चाहिए. एंड देन मे बी बाय नेक्स्ट वीक विल टेल अस द रिजल्ट. तो इसलिए ये होमवर्क बहुत अच्छा होमवर्क रहेगा. तो इस तरह के एक स्वयं के लिए, एक दूसरों के लिए, खुद के लिए जो करना है. आई एम अ डिटरमाइंड सोल, सक्सेस इज डेफिनेटली फॉर मी, आई एम अ सक्सेसफुल सोल. और सबसे इंपॉर्टेंट एक और अच्छा आप करो, शेर का बच्चा अपने आप को क्या समझता है, शेर समझेगा. हम सभी अपने आप को क्या समझते, परमात्मा के बच्चे समझते, गॉड इज माई फादर, गॉड फादर इज पावरफुल, मैं कौन हूं, मास्टर पावरफुल सोल, आई एम अ मास्टर पावरफुल सोल. बस आई हैव टू जस्ट थिंक दैट दिस ब्लेसिंग्स आई जस्ट गो ऑन क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ एंड यू विल सी वॉट आर द रिजल्ट. तो ये होमवर्क इसलिए ये सिंपल है. अब इसके बाद हम बहुत सारे इसकी डिटेलिंग है जो हम नेक्स्ट में करेंगे. होमवर्क, आई विल क्लोज दैट डेज अनकंफर्टेबल इमोशनल पैटर्न बिफोर स्लीपिंग टू बेड. गहरी नींद आने के पहले सारा क्लोज कर दो, और बेटर है कैरी मत करो घर में, और कन्वर्ट देम इंटू अ ब्लेसिंग, और केवल एक ही डेली उसको ब्लेसिंग्स को डेली नर्चर करना है उसको, विद डिटर्मिनेशन एंड सनलाइट ऑफ सुप्रीम. और वो थॉट सबकॉन्शियस लेवल तक, मतलब सुबह उठते ही 5 मिनट इस पूरे 1 वीक एक ही क्रिएट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, और उसकी विजन बनाते जाओ, ऐसा मुझे होगा, बस नथिंग एल्स. ठीक है,
तो चलो अभी जो भी थॉट है आप सब क्रिएट कर सकते हो. आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, मेडिटेशन के थ्रू. आई एम अ प्योर एनर्जी. अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखे. मैं पावरफुल सोल हूं, मैं सक्सेसफुल सोल. जो भी होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, और जो हो रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा है. जो हुआ था वो भी बहुत अच्छा है. मेरे पास मेरे लिए अच्छे के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता. देते जाए मन को एक ही थॉट, मैं बहुत पावरफुल सक्सेसफुल सोल हूं. मैं मेरे साथ मेरे घर वालों के साथ सब अच्छा होना है. ओम शांति. Thank you, Didi, for sharing the lessons with us. Dear all, let's meet next week with the new learnings. Thank you, everybody, for attending. Om Shanti.